हेलो दोस्तों, पंजाबी फैशन डिजाइन में आपका स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको इनविजिबल चाक पट्टी बनाने के लिए बताएंगे, जो कि प्लाजो में बनने के बाद में काफ़ी खूबसूरत लगती है और काफ़ी फिनिशिंग भी इसमें आती है। तो दोस्तों, यहां पर हमने प्लाजो टोटल रेडी करके रखी हुई है, सिर्फ हमने इसमें चाक पट्टी नहीं बनाई है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने प्लाजो में पॉकेट भी लगा ली है इस तरीके से, और यहाँ पर हमारा सामना पल्ला है और इधर हमारा पीछे का पल्ला है। तो यहाँ पर हमारा मार्के वाला पल्ला है जो कि हमारा सामने का पल्ला है। तो यहाँ पर हमने किस तरीके से कटिंग की है, पहले आप इसकी इसे समझें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी मोहरी हो गई। तो मोहरी की जो हमने मार्जिन दी है यहाँ पर, वो दी है 2.5 इंची, और उसके बाद में हमने 2 इंची का यहाँ पर चाक खोलना है, और उसके बाद में 3 बटन लगेंगे। तो 2 इंची का हमने यहाँ पर चाक खोल लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे यहाँ तक हमने सिलाई दे दी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमारी ये सिलाई हो गई है। अब हम इसे किस तरीके से फोल्ड करेंगे इसे समझें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी 2.5 इंची की मार्जिन है, तो कपड़े को हम इस तरीके से 1/2 इंची का फोल्ड करेंगे। सामने वाले पल्ले को भी 1/2 इंची फोल्ड करना है, और पीछे वाले पल्ले को भी हमें 1/2 इंची फोल्ड करना है। तो चलिए करते हैं। इस तरीके से हमने इसे 1/2 इंची फोल्ड करना है और इसमें सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 1/2 इंची की मोहरी के नीचे में सिलाई कर ली है। अब हम इसे सीधे की तरफ पलटेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने सीधे की तरफ इसे पलट लेना है। अब हम आपको दिखाते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमारा पीछे में मोहरी का मार्क है, तो इस मोहरी को हमें पहले बनाएंगे। तो इस तरफ की मोहरी को हमें पहले बनाना है। तो इस तरीके से आपको पल्ले को लेना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप पल्ले को ले लें और यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड कर दें। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको पल्ले को लेना है और इस तरीके से आपको फोल्ड करना है, और यहाँ पर आप फिर एक फोल्ड और करें, जो कि हमारी मार्जिन है 1/2 इंची। तो यहाँ पर हमारी दोनों पल्लों की मार्जिन है, तो एक तरफ की मार्जिन को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब हमें क्या करना है कि इस पल्ले को लेना है और यहाँ पर मिलाना है, तो जहाँ पर हमारा चाक कट है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी सिलाई है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारी सिलाई है। तो अब इस पल्ले को हमें यहाँ पर मिलाना है इस तरीके से, और यहाँ पर हम इसकी सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई दे दी है, और एकदम हमने जहाँ पर हमने चाक खोला है वहीं पर लाकर हमने इस पल्ले को मिलाया है। अब यहाँ पर हम हल्का सा कट देंगे। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादा आपको किनारे तक नहीं काटना है, नहीं तो आपका यहाँ पर खुलने लग जाएगा। इस तरीके से कट देकर हम इसे सामने की तरफ पलटेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने सामने की तरफ इसे पलट लेना है और यहाँ पर नाखून से इसे बिठा देंगे। दोस्तों, एक तरफ का हमारा ये चाक बन चुका है पूरा। आप अच्छी तरीके से देख ले दोस्तों, एक तरफ का हमारा ये चाक बन गया है। तो पीछे से भी हम आपको दिखा देते हैं कि पीछे से हमारा ये इस तरीके से रहेगा। अब हम आपको बताते हैं कि दूसरी तरफ हमें चाक को किस तरीके से बनाना है। तो दूसरी तरफ भी हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो जहाँ पर हमारा चाक की सिलाई है वहाँ तक हम ये फोल्ड को लेकर आएंगे, और यहाँ पर भी हम सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस कपड़े को आपको इस तरीके से पलट लेना है, जिससे आपको यहाँ पर सिलाई देने में दिक्कत ही ना हो। तो इधर के भी हमें कपड़े की कटिंग कर लेनी है। तो हम आपको एक बार दिखा देते हैं दोस्तों कि इधर भी हमने इस तरीके से सिलाई की है, और यहाँ पर हमने हल्की सी कटिंग कर ली है। तो आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लें। अब हम इसे पलट लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे पलट लिया है, और ये काफ़ी खूबसूरत तरीके से हमारा यहाँ पर चाक बन गया है। अब हम इसे पीछे की तरफ से दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आपका पीछे वाला भाग नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपका चाक हो गया, और पीछे आपका ये खुला हुआ रहता है। तो इसमें आप
सिलाई कर दें, यानी तो तुरपाई करनी है तो तुरपाई करें। अगर आप इसके अंदर में पेस्टिंग देना चाहते हैं तो पेस्टिंग भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये चाक को बनाना है। अब हम इसमें सिलाई देंगे और उसके बाद में बटन लगा कर आपको दिखाते हैं कि बटन हमें किस तरीके से लगाने हैं। तो इसकी सिलाई हमें इस तरीके से देनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई कर दी है और ये सामने की तरफ हमारा इस तरीके से लगेगा। अब हम इसमें बटन लगाएंगे। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा कपड़ा और ये हो गया हमारा बटन। तो बटन आप अगर बड़े लगाना चाहते हैं तो बड़े लगा सकते हैं, छोटे लगाना चाहते हैं तो छोटे लगा सकते हैं। तो हमने मीडियम साइज का बटन लिया है तो मीडियम ही हम लगाएंगे, ना तो ज़्यादा छोटा है ना ही ज़्यादा बड़ा है। तो इसे हमने इस तरीके से कपड़े में लपेट देना है बटन को। अब हमें सुई लेनी है और इसे हम इस तरीके से इसे बांधेंगे। और देखें दोस्तों, इस तरीके से आपको घुमा देना है जिससे ये बटन एकदम बटन का आकार ले ले और फिनिशिंग से ये हमारा हो जाए। अब हम इसे सुई से बांध देंगे। तो दोस्तों, ये हमारा बटन बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम कैंची से काट देंगे जो हमारे पास में ज़्यादा कपड़ा है। और यहाँ पर देखें दोस्तों, ये बटन हमारा बनकर पूरा तैयार हो गया है। अब हम इसमें यहाँ पर बटन लगाएंगे। तो हमारे पास में तीन बटन इस तरीके से हमने बनाए हैं, तो तीनों बटन हम यहाँ पर लगा देंगे। तो इसे लगाने का तरीका भी दोस्तों समझ लें किस तरीके से हम इसे लगाएंगे। तो देखें दोस्तों, यहाँ पर एकदम चाक के पास में हमें बटन को इस तरीके से रखना है और यहाँ पर सुई धागे से इसे टाकेंगे। तो बटन के एकदम किनारे किनारे वाले कपड़े को हम सुई धागे से इस तरीके से टाकना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर बटन भी लगा दिए हैं और इसी तरीके से हम और भी बटन यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर चाक में ऊपर में बटन भी लगा दिए हैं। अगर आप इस तरीके का मोती लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर मोती भी लगा सकते हैं। हमारा चाक हो गया और ऊपर में हमारे मोती हो गए। इस तरीके से अगर मोहरी फोल्ड होती है तो काफ़ी अच्छा लगता है, यहाँ पर हमारे मोती लगे हुए हैं। और इसी तरीके से हम आपको दूसरी तरफ भी दिखाते हैं कि यहाँ पर भी हमारे बटन जो लगे हैं ये भी हमारे काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और ये मोहरी हम इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड कर इसे भी बनाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।